डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत ही मुश्किल समझा जाता है लेकिन बिलीव मी अगर आपको तरीक़ाकार अच्छे से ज़ीरो से सिखाया जाए तो आप अच्छे से समझ सकते हैं इसी वजह से पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखी और वो सारी की सारी टाइप्स दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं कि आपके डेटा के अंदर स्क्यूनेस कितनी है और दूसरी कोर्टोसिस कितनी है ये दो ऐसे अल्फाज हैं जिनको जब सुनता है बंदा एक आम बंदा दिमाग घूम जाता है उसका मशीन की तरह अब मसला यह है कि जब भी हमें पढ़ाने वालों ने पढ़ाया उन्होंने इतना मुश्किल पढ़ाया कि ये दोनों लफ्ज हमारे सर से फुरमरीका हो गए तो हमने अब सीखना है इन दो लफ्ज़ों को और इन दो लफ्ज़ों के अंदर आपको समझ आ जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें और डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसे छुपी होती है लेट्स मूव इन टू आर स्क्रीन शेयर यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि स्क्यूनेस एंड कोटोसिस के अंदर मेन चीज़ जो है वो क्या होती है ठीक है अब आपको सिमेट्री का पता होगा ठीक है एक लफ्ज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिमेट्री और सिमेट्रिकल चीज़ें जो होती हैं सिमिट मैं स्पेलिंग गलत नहीं लिखना चाह रहा इस वजह से मुझे थोड़ा सा देखना पड़ रहा है सिमेट्री सिमेट्री का मतलब है मिरर इमेज यानी कि अगर इस साइड पे कोई चीज़ ऐसी है ना सो दूसरी साइड पे भी ऐसी ही हो सेम ठीक है इसको बोलते हैं सिमेट्री यानी दोनों साइडों पे सेम ही डिफरेंस हो उसका जो एक साइड पे है और अगर आपका डेटा बिल्कुल सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है इसका मतलब यह है कि आपका मेन मीडियन मॉड सेम है जिस डेटा का सेंटर मेन मीडियन और मॉड सेम हो वो डेटा होता है सिमिट्रिकल डेटा ठीक है अब यहां पे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखाता हूं चीजें हमने समझनी है स्क्यूनेस एंड क्रोटोसिस स्क्यूनेस एंड कोरोटोसिस और इन दोनों चीजों के ऊपर डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी मैटर करती है ठीक है और जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है इसमें वो हम देख रहे हैं सिमेट्रिकल डेटा क्या होता है सेमिट्रिकल डेटा सिमेट्रिकल डेटा ऐसा सिमेट्रिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन मीडियन एंड मॉड जो है वो तीनों एक जगह पे हों यानी कि सेम मीन मीडियन मॉड हो ये कब पॉसिबल होता है जब आपका डेटा का सेंटर बिल्कुल सेंटर होता है यानी कि इस तरीके से अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ सिमेट्रिकल जारी बात है हाथों से बना रहा हूँ तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा लेकिन अगर मैं इसका सेंटर ड्रॉ करूँ इट शुड लाई हेयर इस तरीके से ठीक है यानी कि मीन भी यही हो मॉड भी यही हो और मीडियन भी यही हो आपने देखा हमने पिछले डेटा सेट के मीन मीडियन मॉड चेक किए थे ना तो अक्सर ओकात वो तीनों में फर्क आ जाता है सो अगर मीन मीडियन मॉड हमारे तीनों के सेम है मीन भी मीडियम भी और मॉड भी इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डेटा या सिमेट्रिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब दूसरी हमारे पास शेप ऐसी आती है सिमेट्रिकल डेटा के अलावा अगर ये डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप बनाए जो शेप हमने पहले भी बनाई थी आई विल जस्ट शो यू कि आपका डेटा कुछ इस तरीके से शेप बनाए ठीक है और ये जो शेप है अगर आप गौर करें इस शेप में आपका जो मॉड है वो यहां पे आ जाए ये हो जाए आपका मॉड आपका जो मीडियन है वो आ जाए यहां पे, ये हो गया आपका मीडियन और आपका जो मीन है वो आ जाए यहां पे, ये आपका हो जाए मीन ठीक है So, इससे क्या होता है इस शेप को हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव पॉजिटिव स्क्यू इसको हम पॉजिटिव स्क्यू क्यों बोलते हैं अगर आप गौर करें तो हमारी स्क्यूनेस जो है वो राइट right स्क्यूड है यहां पे राइट right स्क्यूड है राइट right साइड पे स्क्यू हुई है चीज राइट साइड से पिचकी हो गई है यानी कि ये राइट right साइड है ये लेफ्ट साइड है तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से लेफ्ट साइड पे हुई है लेकिन पिचक कौन सी गई है राइट right साइड और अगर आप गौर करें राइट साइड पॉजिटिव साइड नहीं है क्यों क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन या मैं अगर एक लाइन लगाऊं ये जीरो हो तो इस साइड पे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और इस साइड पे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं सो so, इस वजह से हम इस साइड पे जो पिचकी हुई चीज हो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यू ठीक है इसको राइट right स्क्यूड भी बोलते हैं हम जो हमने पहले देखा तो इसका मतलब क्या है हमारा मेन मीडियन और मॉड जो है वो डिफरेंट तीन जगहों पे चला गया है। समझ आई बात की और इसी ही तरीके से अगर हम एक और डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें विच आई विल ड्रॉ हियर और इस डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम ड्रॉ करें तो ये हमें कुछ इस तरीके से ऐसे मिले और इसकी जो तीन चीजें हैं मैं वाइट से ड्रा करूंगा इसका मॉड मॉड हमेशा आपका सेंटर में होता है उसकी रीजन ये है कि जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू है वो मॉड होता है और वो जितनी हाई होगी चीज वहां पे मॉड आ जाएगा ठीक है सेंटर में इसका आ जाता है मीडियन आपको भी पता है बिल्कुल सेंटर जो होता है डेटा का वो मीडियन होता है तो मैं मीडियन यहां पर ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूं दिस इज कॉल्ड मीडियन और फिर हमारा आता है जनाबे अलम मीन साहब मीन इतने मीन है कि दोनों के साथ मिला के नहीं खाते और ये इट विल कम हियर सो आपने देखा अगर दोनों शेप देखें तो आपको समझ आएगी कि मॉड मीडियन एंड मीन इस तरीके से होते हैं और जिस साइड पे चीज़ पिचकी होती है उस साइड पे मीन हमारा चला जाता है ये हमें वही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि आउट जो मैंने कल भी आपको 200 वाली एग्जांपल लिख के दिखाई थी आउट एक्चुअली कैन स्क्यू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक द मीन फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन टू द अदर साइड यानी कि आउटलायर्स यहां पर है यह अपनी तरफ मीन को खेच रहे हैं सेंटर में था डेटा मीन का तो इसने आउटलायर्स ने क्या किया कि अपनी तरफ खेच लिया तो इसका मतलब जिस साइड पे आउट लायर्स होते हैं उस साइड से जगह पिच की होती है और इसको हम नेगेटिव नेगेटिव स्क्यू बोलते हैं नेगेटिव स्क्यू एन ई जी ए टी आई वी ई स्क्यू नेगेटिव स्क्यू बोलते हैं और पॉजिटिव स्क्यू हमें समझ आ गई पॉजिटिव स्क्यू का मतलब दो चीजें हैं जो आपको अपनी स्क्यूनेस के बारे में बताती हैं तो स्क्यूनेस क्या हुआ फिर स्क्यूनेस का मतलब ही ये है कि जो एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से नजर आ रही है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है नेगेटिवली स्क्यूड है या किस किस्म की स्क्यूनेस उसके अंदर पाई जाती है ठीक है और हमारे पास जो सेंटर में होता है मीन मीडियन मॉर उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल डेटा अगर लेफ्ट पे हो तो उसको बोलते हैं हम हां जी इस तरीके से हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड यहां पे हो तो नेगेटिवली स्क्यूड क्योंकि नेगेटिव साइड पे हो रही है अब इसी तरीके से हम चेक करते हैं कुलटोसिस को कुलटोसिस क्या होती है देखिए हमारे पास एक इस तरीके से हमने लाइन लगाई थी इस तरीके से डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी ठीक है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने देखी हमने इसकी तीन टाइप्स बनाई हमने बोला कि अगर इस तरीके से हो जाए तो एक टाइप है अगर ये इस तरीके से हो जाए तो ये दूसरी टाइप है ठीक है तो ये हमने तीन टाइप्स बनाई थी ये सिमेट्रिकल बोल दिया था लेकिन अगर इसी डेटा का डेटा पॉइंट का जो हमारे पास दो किस्म की और डेटा पॉइंट्स बने एक ऐसा बने जो इस तरीके से है और दूसरा ऐसा बने जो उससे भी ऊपर जा रहा है तो ये जो दो चीजें हैं फ्लैटनेस ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम बोलते हैं कुरटोसिस कुरोसिस क्रोटोसिस क्या है कि ऊपर नीचे किसी कर्व का मूव करना इस साइड पे आएगी या ऊपर जाएगी ठीक है अपनी पोजीशन से या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी ठीक है और अगर आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज दिस येलो वन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो जो रेड वाली होगी क्रटोसिस इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्रटोसिस जो हमारी ग्रीन वाली है इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कर्टोसिस अब इसकी वजह क्या है मैं आपको दोबारा से समझाता हूं इसकी मेन वजह क्या है पहले हमने एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन को देखा कि ये एक लाइन है जीरो है वन टू थ्री फोर पॉजिटिव पॉइंट्स इस साइड पे नेगेटिव पॉइंट्स ठीक है जो स्टार्ट से हम टू प्लेन के अंदर देखते आ रहे हैं अगर हम वाई एक्सिस पे देखें तो अगर ये ज़ीरो है तो ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी नीचे वाली साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होंगी याद करें ये वाला प्लेन जो हमने मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर अल्जबरा के अंदर देखा था ठीक है ये जीरो है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव इस तरीके से तो हमारे पास जब वैल्यू ऊपर को जा रही है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड पे जा रही है नीचे को आ रही है तो इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव साइड को जा रही है इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ओरिजिनल जो है वो नेगेटिव हो गई है ओरिजिनल बढ़ गई है तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं सो पॉजिटिव कॉटो जब आपकी फ्लैटनेस ऑफ द कर्व इंक्रीज कर जाए इन टू पीकनेस ठीक है जब ज्यादा फ्लैट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव दिस इज सिमिलर कि अगर आप कोई भी एक शेप लें और इस तरीके से फ्लैट शेप होती है अगर आप ऐसे देखें तो ये आपकी पॉजिटिव कर्टोसिस हो जाएगी जैसे पहाड़ होते हैं ना अक्सर अकात कोई काफ़ी अमूदी सतह रखते हैं स्टीपनेस उसकी काफ़ी होती है कभी पहाड़ों की स्टीपनेस कम होती है तो कर्टोसिस की आपको समझ आ गई कि कर्टोसिस जो है वो क्या होती है अब आपको मैं दो डेफिनेशन इसकी दिखा देता हूँ कर्टोसिस की और स्क्यूनेस की एंड देन वी विल सी कि कर्टोसिस और स्क्यूनेस जो है हमारे पास किस तरीके से काम करती हैं ठीक है थीके? यहां तक आपको क्लियर हो गया अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क ये हमारे पास जी जो कर्टोसिस की मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं ये पॉजिटिव कर्टोसिस है

नजर आती हैं लेट्स मैं यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ कि स्क्यूनेस असमिट्रिकल ए एसमेट्रिकल मैयर तो आपको मैंने दिखाया कि स्क्यूनेस का मतलब ही ये है कि असमिट्री यानी कि समिट्री की ए समिट्री सिमिट्री होता है किसी चीज का सिमिट्री के अंदर होना सेमिट्रिकल सेमिट्री कल जो होती है उसका मतलब है कि दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे के बराबर हों ठीक है यानी कि हमारी जो आंखें हैं सेंटर से देखें तो राइट और लेफ्ट सिमेट्रिकल है हमारी पूरी की पूरी बॉडी अगर सेंटर से मैं कहूंगा नहीं कट की जाए लेकिन अगर देखें हम डाइसेक्ट करके तो ये सिमेट्रिकल है एक दूसरे की मिरर इमेज है तो स्क्यूनेस का मतलब है कि इसका जो एंटोनिम है एंटोनिम है इसका ए सिमेट्री जिसकी सिमेट्री ना हो ए सिमेट्री को मैयर करने को हम बोलते हैं स्क्यूनेस ठीक है डेफिनेशन क्या है स्क्यूनेस मैयर्स द डिग्री ऑफ ए सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट्स मीन मीन के इर्द गिर्द जितनी भी डिग्री है ठीक है इट इंडिकेट्स वेदर द डेटा लेफ्ट जिसको हम नेगेटिव कहते हैं और टू द राइट पॉजिटिव स्क्यूर्ड ऑफ द मीन ठीक है अब ए डिस्ट्रीब्यूशन विद टेल ऑन द राइट साइड इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूर्ड इसको मैंने ड्रॉ करके भी आपको दिखाया कि लॉन्गर टेल आपकी राइट right साइड पे हो तो ये आपके पास क्या होगी राइटली स्क्यूर्ड या इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूर्ड फिर नेगेटिव इसका उल्ट हो जाएगी यानी कि दूसरी साइड से ठीक है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑफन पॉजिटिवली स्क्यूर्ड एज ए मेजर एज ए मजोरिटी ऑफ पीपल अर्न बिलो द एवरेज ठीक है विद ए फ्यू हाई अर्नर्स क्रिएटिंग अ लॉन्ग टेल समझ आ गई पाकिस्तान के अंदर जो इनकम है अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे और दुनिया में करेंगे जो ऑन एन एवरेज इनकम होती है वो कम होती है लेकिन कुछ लोगों की इनकम इतनी हाई होती है इतनी हाई होती है कि वो लॉन्ग टेल राइट साइड पर हमारे पास आ जाती है ठीक है ख़ास तौर पर वो कुछ लोग जो बाकी लोगों का डबल ट्रिपल इनकम का ले रहे होते हैं जैसे अगर अगर आपको भी पता है कि ऑन एन एवरेज पाकिस्तान के अंदर जो सैलरी है वो तीस हज़ार से ले कर सत्तर हज़ार तक जा रही है डिफरेंट ऐसे लोगों की जो बिल्कुल बेसिक एवरेज सैलरी ले रहे हैं पैंतीस भी हो सकती है ये पैंतीस हज़ार भी क्या विच इज़ नथिंग लेकिन ऑन दी अदर साइड आपके पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी आठ लाख नौ लाख सैलरी है और ऊपर से फिर अगर एक एक्स्ट्रा प्लस मैच खेल लेते हैं तो उनकी सैलरी इंक्रीज कर जाती है हालांकि उनको उन्होंने जा सिर्फ आउट होना होता है ठीक है जाना है पिच पे खड़े होना हो है और आउट होके आ जाना है ठीक है सो उन लोगों की सैलरी आठ आठ लाख प्लस सैलरी होती है या इस, इस तरह के ऐसे लोग जो डिफरेंट कंपनीज़ के सी लगे हैं रिसेंटली पाकिस्तान में एक बंदा पकड़ा गया है जिसकी डिग्री जाली निकली है और वो पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का सी ई रहा है ठीक है सो so, उसकी डिग्री पकड़ी गई है सो so, वो बंदा कितनी सैलरी लेता रहा है उसकी पीएचडी गलत निकली है ठीक है और वो 2001 से पी एच डी अलाउंस ले रहे हैं पी एच डी अलाउंस विच माइट भी इन थाउजेंड्स मतलब पचास हज़ार भी हो जस्ट इमेजन क्योंकि सी ई होता था तो पी एच डी अलाउंस दो हज़ार एक से पचास हज़ार है इसको मल्टीप्लाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव करें एंड देन मल्टीप्लाई इसको करें तकरीबन बाईस साल से तो आपके पास रकम आएगी एक, एक ऐसी विच कैन एक्चुअली शो यू के ऐसे बंदे हमारे ऊपर बैठे हुए हैं विच डजेंट डू एनी थिंग वो कुछ नहीं करते बल्कि ये पचास हज़ार पर मंथ करनी थी ये मैं गलत कर गया हूँ तीन सौ पैंसठ नहीं करना इसको इसको हमने करना है दिस शुड बी पचास हजार ज़रब बारह मैं इनकी भी गलत नहीं होनी चाहिए थी फिफ्टी थाउज़ेंड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई बाईस अल्लाह अकबर तेरह मिलियन प्लस सिर्फ पी एच डी अलाउंस अगर इतना हो तो थ्री मिल थर्टीन मिलियन प्लस है सो आप खुद अंदाजा लगाए कि अगर यही एक बंदा का हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस तरह के कई थोड़े थोड़े लोग हैं उनकी क्वांटिटी कम है बट ऑन दी अदर साइड वो हाई सैलरी ले रहे हैं जहाँ पे उन्होंने एवरेज हमारी सैलरी वो यहाँ पे आती है सो so इस तरीके से स्क्यूनेस हमारा किरदार अदा करती है इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको समझ आ गई होगी कि स्क्यूनेस हमारे पास किस तरीके से होती है फिर कर्टोसिस की तरफ चलते हैं और करटोसिस क्या हमें शो करवाती है हम उसको भी देखेंगे लेट्स सी करटोसिस कर्टोसिस मेरा मुझे ये लफ्ज़ बड़ा प्यारा लगता है कर्टोसिस का क्योंकि प्रोनाउंस करना बड़ा इसको मजे वाला चीज लगती है सो इज द द टेल एंडनेस टेल्डनेस नॉट टेल्ड सॉरी फॉर दैट टेल्डनेस मैयर ठीक है यानी कि अब आपको मैं समझाता हूं करटोसिस क्या है टेल्डनेस ये एक चीज है ठीक है इसकी टेल्स फैली हुई हैं अगर ये ज्यादा फ्लैट हो तो इसकी टेल ज्यादा होंगी अगर बिल्कुल ही ऊंची हो तो इसकी टेल बिल्कुल कम होंगी सो टेल्डनेस मैयर क्या होती है कोटोसिस मेजर द टेल्डनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट डिस्क्राइब्स द हाइट एंड शार्पनेस ऑफ द सेंट्रल पीक ये ज्यादा शार्प है ये कम शार्प है यह उससे दरमियानी सी है सो शार्पनेस एंड सेंट्रल पीक एंड द हैवीनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स हाई कोटोसिस का मतलब ये है कि आर डिस्ट्रीब्यूशन विद हैवी टेल्स एंड अ शार्पर पीक दैन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हाई का मतलब है कि शार्पर पीक होगी लो का मतलब है फ्लैट होगी मीडियन का मतलब है कि किस तरीके से होगी अब आपको इन तीनों के नाम बताता हूं हाई शार्पनेस वाले को बोलते हैं Leptokurtic. 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 तीन दफा बोलें सब लोग लेप्टो लेप्टो क्रोटिक सेकेंड वन इज जिसको हम लोअरिस बोलते हैं इसको बोलते हैं प्लेटिकर्टिक प्लेटिकटिक ठीक है So, आपको हाई कर्टोसिस का भी पता चल गया और लो कर्टोसिस का भी ये दोनों जो हैं हमारे पास लैप्टोकर्टिक और जो हमारे पास प्लेटोक है, है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली है ना उसको हम बोलते हैं मीजोक यानी उसके पीछे आ जाएगा सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डिफाइन टू थिंग्स कि आपके पास कर्टोसिस क्या है और कर्टोसिस के बाद आपके पास क्यूनेस जो है वो कैसे शो कर रही है ठीक है और ये आपको डिपेंड करता है कि आप डेटा किस तरीके ये आपको बताता है कि किस तरीके से आपके पास डिफरेंट किस्म का डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इन दोनों का फायदा क्या है और इन दोनों में क्या फ़र्क है ये दो चीज़ें पहले देख लेते हैं कर्टोसिस के अंदर और स्क्यूनेस का जो मेन फ़ायदा है इन दोनों का डेटा एनालिसिस के अंदर जो मेन फायदा है ये हमें बताते हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हुआ है ठीक है यही दो चीजें ना जो हमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की बता रही हैं वो तो अलग बात है जब आपको पता चल जाए कि लेफ्ट में ऊंची हो क्रटोसिस uh, और राइट साइड पर पिचकी हो यही चीजें तो मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन बनाती हैं सो द स्क्यूनेस एंड क्रटोसिस प्रोवाइड इन साइट इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ये दोनों चीजों को जब आप मैयर करते हैं ये आपको बताता है कि आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है और उसका पैटर्न क्या है विच इज क्रूशियल फॉर सेलेक्टिंग द राइट स्टेटिस्टिकल टेस्ट ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डेटा नॉर्मल है तो डेटा के नॉर्मल के लिए आपको स्क्यूनेस और अगर दोनों को पता चल जाता है तो दीज टू थिंग्स कैन टेल यू कि असल में डेटा नॉर्मल है कि नहीं ठीक है सेकेंड इनका काम ये होता है आउटलायर्स आपको बताती है, हैं स्क्यूनेस इन पर्टिकुलर कैन हेल्प डिटेक्टिंग आउटलायर एंड अंडरस्टैंडिंग देयर इंपैक्ट ऑन द डेटा सेट ठीक है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई डेटा राइट साइड पे स्क्यूड होगा इसका मतलब आउटलायर यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन्होंने खींच के इसकी टेल को लॉन्ग कर है, ठीक है दीज काइंड ऑफ थिंग्स तो आप अगर स्क्यूनेस है तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि यहाँ पे आउटलायर्स हो सकते हैं कम अज़ कम इस रीजन में तो होंगे पीछे ना हो, यहाँ पे आउटलायर्स होंगे सो यू नीड टू फाइंड दैट थिंग एंड देन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के लिए इन मशीन लर्निंग प्रिडिक्टिव मॉडलिंग नोइंग दिस क्यूनेस एंड करटोसिस कैन गाइड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था कि कैसे हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं जो आपकी असाइनमेंट है यह आपको दो चीज़ें बता सकती हैं कि आपने कैसे उनको करना है अगर करटोसिस ज्यादा है तो करटोसिस को कम करेंगे उसके मैथड है करटोसिस कम है तो उसको नॉर्मलाइज करेंगे उसके भी मैथड है एंड दीज थिंग्स कैन एक्चुअली हेल्प यू टू डिफाइन कि किस तरीके से आपके पास जो डेटा है वो आता है अब इन दोनों में फर्क क्या है सिमिट्री का फर्क है और हमारे पास क्यूनेस का फर्क है यहां तक आपको क्लियर होगा होगा कि कर्टोसिस और हमारे पास जो स्क्यूनेस है ये किस तरीके से हमें हेल्प आउट करते हैं चीजों को समझने के लिए ठीक हो गया जी समझ आ गई है अब इजहरी बात है इन दोनों को समझने के लिए हमें कर्टोसिस और स्क्यूनेस इनके कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूले भी देखने होंगे किस कोटोसिस का स्टैटिस्टिकल फार्मूला क्या है और स्क्यूनेस हमारे पास किस तरीके से आती है तो उन उन दो पॉइंट्स को समझने के लिए हमें फार्मूले में डीपली जाना होता है और अगर आपके पास कोडिंग की स्किल्स हैं तो आप उन फार्मूलों को ख़ुद भी देख सकते हैं और उनको खुद से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं लेकिन पाइथन के अंदर करटोसिस और स्क्यूनेस को फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है आप डिफरेंट पैकेजेस को यूज़ करके करटोसिस और स्क्यूनेस जो है उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है जी तो लेट्स सी कि हमारे पास जो फार्मूले हैं वो किस तरीके से आते हैं और उनको हमने कैसे डिफाइन करना है और फार्मूला ढूंढना बहुत आसान होता है आप किसी भी स्टैट की बुक में जाएंगे वहां पे आपको कर्टोसिस और स्क्यूनेस इन दोनों का पता चल जाएगा यहां पे आपको जस्ट uh, अ आपको दो ऐसी एक बुक आपको मैं रिकमेंड करूंगा जस्ट अ मिनट जिसकी बेस पे आप और स्क्यूनेस जो है वो देख सकते हैं अगर आप स्टैटिस्टिक्स सीख रहे हैं मेरे से तो मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स इन अ स्टेटिस्टिकल ठीक है तो ये हमारे पास सारा बोसलाओ की है बुक सारा बोसलाओ सेकेंड एडिशन है 2012 में ये पब्लिश हुई है ऑब्वियसली बेसिक स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम में यहां से देख रहा हूँ जो हमारे पास एक और बुक है प्रैक्टिकल स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंटिस्ट्स वो सेकेंड एडिशन रिसेंटली हमारे पास आया है वह दूसरी चीज़ें यहाँ से देख रहा हूँ तो आप ऑनलाइन जाके इन दोनों को देख सकते हैं ये दो बुक्स हैं मेरे पास प्रैक्टिकल स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस फिफ्टी असेंशियल कॉन्सेप्ट यूजिंग आर एंड पाइथन और मैं ऑब्वियसली मुझे आर भी आता है पाइथन भी आता है सो आई नो कैसे इनको यूटिलाइज करना है बट इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग तो ये दो बुक्स जो हैं ये आपको अच्छी खासी हेल्प दे सकती हैं ठीक है सो so आप यहाँ पर इन दोनों बुक्स को चेक कर सकते हैं एंड देन इट विल बी ईजियर फॉर यू राइट अच्छा बुक्स के बाद अब हम फार्मूला की तरफ चलते हैं और फार्मूले में आपको दिखा देता हूं एक दफा ताकि आपको चीजें जो हैं और भी क्लियर हो जाएं जस्ट अ मिनट ओके जी ये फार्मूले लिखे हुए भी आपको मिल जाएंगे बाय द वे सो डोंट वरी अबाउट दैट स्क्यूनेस का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है स्क्यूनेस ऑफ ए डेटा सेट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला जिसके अंदर हमारे पास स्क्यूनेस जो है वो जी के साथ शो की गई है यहाँ पे ठीक है एन ओवर एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फिर सबिशन फ्रॉम वन टू द एंथ वैल्यू फिर एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार की पावर थ्री हमने रखी है ओवर एस एस जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करती है सो so एन हमारे पास नंबर है ये वाला एन ये वाला एन ये वाला एन और हमारे पास ये वाला एन ये नंबर है ठीक है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स एक्स आई हमारे पास क्या है रिप्रेजेंट्स द ईच डेटा पॉइंट जो यहाँ पे यूज हुआ एक्स आई

अब यहाँ पे हमने इसको ऑटोमेटिकली एडजस्टेड फॉर बाइस भी कर लिया है आपने क्या करना है आपने चेक करना है और ये क्या चीज़ों को मैयर कर रहा है ये बेसिकली दो चीज़ें मैयर कर रहा है पहली चीज़ ये कि आपका मीन जो है वो एंड देन दूसरी चीज आपकी जो सारी वैल्यूज है इनका सम मीन से कितनी दूर किया है सेकेंड ये कर रहा है इसको डिवाइड करके स्टैंडर्ड डेविएशन पे यानी कि मीन से राइट right साइड पे और लेफ्ट साइड पे कितना फर्क है जब ये वाली चीज़ डिफाइन करता है तो आपके पास स्क्यूनेस की वैल्यूज आ जाती हैं एंड यू कैन हैव एन आइडिया केस साइड पे है और कितना स्क्यूड है ठीक है सो ये एक सिंपल फॉर्मूला है सेकंड आपके पास क्रटोसिस का फॉर्मूला आ जाएगा विच यू कैन डू लाइक दिस ये आपके पास क्रटोसिस का इसको जी से आप शो करते हैं और ये वही चीज है एन इन टू एन प्लस वन ओवर एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री और सो so ऑन बाकी चीज़ें इस तरीके से आपके पास चल जाती हैं मैं इस फॉर्मूले को डिटेल में आपको बताऊं तो हमारे पास ये सिंबल एन वाला जो है नंबर ऑफ सैम्पल्स है जो मैंने पहले बताया ये समिशन ऑफ ऑल द सैंपल्स है और कैसे हमने करना है हर किसी में से ये वाली चीज़ माइनस करनी है इसका क्यूब फोर कर दिया इसके जो पावर फोर कर दी यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस हमने ये वाली चीज़ कर ली ठीक है अब इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं इक्वेशन को लेकिन ज़रूरी नहीं है बिकॉज देयर आर सम पैकेजेस जिनको यूज करके आप कर्टोसिस का और स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं बट इफ़ यू वॉन्ट टू एक्चुअली फाइंड कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस इन एक्सल या अदर प्रोग्राम्स तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डिफाइन पे कर्टोसिस और कहां पे स्क्यूनेस आपको आप किस तरीके से देख सकते हैं अब हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर कर्टोसिस और स्क्यूनेस हम किस तरीके से मैयर करते हैं और हाउ इट विल हेल्प अस टू कर्टोसिस और स्क्यूनेस जो है ये हमारे पास किसी डेटा की क्या शो करती हैं ठीक है जी तो तैयार है हो फुली तैयार ही हैं आप सो so, ये स्क्रीन आपके सामने मैं शेयर करता हूँ मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं एंड देन आई राइट डाउन हियर कुर एंड स्क्यूनेस ठीक है जी ये हमने लिख लिया नाउ वी राइट आवर कोड हियर और कोड के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास क्ल्टिस और स्क्यूनेस जो है वो आती है राइट right? ओके okay, तो डेटा हमारे पास है फाइंड कुर ऑफ एज अगर हम कुर्टोसिस ऑफ एज फाइंड आउट करना चाहते हैं जो हमारे पास डेटा आया है टाइटेनिक का जो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ जो हमने पहले ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया था समथिंग लाइक दिस ये हमारे पास डेटा सेट है मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ये हमारे पास डेटा सेट है ठीक है एज के ऊपर हम करटोसिज चेक कर रहे हैं करटोसिस हमें कैसे मालूम करनी है स्टैट्स का ये वाला मॉड्यूल है ये कहां से आया मैं आपको दोबारा से यहां पे लिख के दिखा देता हूं फ्राम साई पाई इम्पोर्ट स्टैट्स यहां से ही आया ठीक है सो स्टैट्स डॉट स्टैट्स के अंदर कोटोसिज है और ये हमने लिख दिया डी एफ अंडर स्कोर जीरो वन एज लिख दिया और फ़िशर फॉल्स करिए ये एडजस्टमेंट होती है कर्टोसिस की फ़िशर टेस्ट और डिफरेंट किस्म की टेस्ट या डिफरेंट किस्म की एडजस्टमेंट होती है एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई चीज़ को फाइंड कर रहे हैं तो आप इसमें एडजस्ट करें कि ये एरर भी हो सकती है फ्ला एरर भी हो सकती है तो इसको एडजस्टमेंट बोला जाता है आई एम नॉट गोइंग रियली इन टू डिटेल के एडजस्टमेंट क्या है इस वक्त लेकिन वी विल ट्राई टू फाइंड कर्टोसिस हमारे पास क्या आ रही है एन ए एन क्यों ये आ रही है आप में से कोई बताना चाहेगा फेयर के ऊपर मैं जाता हूँ इसकी क्रटोसिस हमारे पास आ रही है थर्टी सिक्स इसकी क्या वजह हां जी कोई बताना चाहेगा एन ए एन क्यू आई मिसिंग वैल्यूज अगर आपको पता है तो आपको समझ आ जाएगी कि मिसिंग वैल्यूज का क्या रोल होता है चलें आपको मैं फेयर के ऊपर जो हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ की थी बट आई कैन ऑल्सो ड्रॉ दैट अगैन यहाँ पे एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट और इसके अंदर डी एफ अंडर स्कोर जीरो वन कोमा एक्स इज इक्वल टू फेयर एंड देन के डी ई इज इक्वल टू ट्रू यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें नाउ यू कैन हैव एन आइडिया के हमारे पास जो डिफरेंट uh, किस्म की करटोसिस हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है हमने फिशर को फॉल्स रख के किया है तो ये हमारे पास आ रही है थर्टी सिक्स के करीब ठीक है अब थर्टी सिक्स क्या है ये हमें वैल्यू बताता है कि हमारी करटोसिस यानी कि फ्लैटनेस इसकी क्या है अब सिर्फ करटोसिस हमें हेल्प आउट नहीं कर सकता वी हैव टू फाइंड ऑल्सो द स्क्यूनेस और स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट एज वेल और हमें स्क्यूनेस जो है फॉर्मूले के थ्रू भी हम कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के और भी चीजों को हम देख सकते हैं ठीक है होता है हमारे पास डिफरेंट भी हमारे पास मेथड्स होते हैं बट फर्स्ट वी विल सी के हमारे पास जो स्क्यूनेस का फॉर्मूला है यहां पे इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ कॉपी यहां पे इसे पेस्ट करता हूँ नॉट गुड स्टैट्स दोबारा से लिख लेते हैं स्टैट्स skewness skew स्क्यू इसको स्क्यू लिखते हैं और यहाँ पे हम डी एफ अंडर स्कोर फेयर कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्यूनेस आ रही है फोर पॉइंट सेवन दूसरी हमारे पास आ रही है कर्टोसिस छत्तीस अब इन दोनों को इंटरप्रेट करना कि हमारे पास क्यूनेस एंड कर्टोसिस कितनी आ रही है ये हमें इस जगह से पता चल सकता है अगर आप गौर करें तो आपको पता है कि आपका जो डेटा है वो किस साइड पे स्क्यूड है राइट right साइड पे रीजन क्या है कि फेयर में काफी चीजें क्लासेस वगैरह की आ रही हैं ठीक है सो so, हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे हिस्ट प्लॉट बनाने पे हमें पता चल रहा है राइट right स्क्यूड जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है इसका मतलब है कि ये टेल्डनेस जितनी स्क्यूड है राइट right साइड से ये हमें फोर पॉइंट सेवन सेवन वैल्यू दे रही है अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो कर्टोसिस है वो इस एक मेन की फ्लैटनेस को बता रही है कि ये कितना फ्लैट है और उसकी बेस पे हमें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो छत्तीस आ रही है ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली डिफाइन कि आपके पास कर्टोसिस कितनी है और दूसरी वैल्यू कितनी है इसको और आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक और फार्मूला लिखता हूँ एक कोड लिखता हूँ देन वी विल अंडरस्टैंड इन टू अ नाइस वे जो यहाँ पे हमने नंपाई को इम्पोर्ट किया यहाँ पे स्क्यूज़ एंड कर्टोसिस को सेपरेटली इम्पोर्ट कर लिया यहाँ पे हमने डेटा जनरेट किया रैंडमली जीरो से एक जीरो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा और थाउजेंड हमने उसके अंदर रखा तो ये डेटा ऑटोमेटिकली नॉर्मल है यूजिंग नंपाई ठीक है अब यहां पे हमने स्क्यूनेस इसकी काउंट की डेटा की स्क्यूनेस और यहां पे हमने फिशर टेस्ट को ट्रू कर दिया ठीक है जी ये हमें एक्सेस क्रोटोसिस बताता है कि टोटली एग्जैक्ट क्रोटोसिस ड्यू टू फिशर टेस्ट कितनी हमारे पास आती है सो so, यहां पे हमने दोनों की स्क्यूनेस एंड क्रटोसिस को प्रिंट कर दिया लेट्स सी तो हमारे पास जो वैल्यू आती है अगर आप गौर करें तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है स्क्यूनेस ऑफ द डेटा सेट इज पॉइंट जीरो थ्री अब इसके बदले अगर आप यहां पे देखें दिस इज शो फोर पॉइंट सेवन सेवन इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेटा जो है यहां पे पॉजिटिवली स्क्यूड है ये फोर पॉइंट सेवन सेवन है और अगर हम नॉर्मल डेटा की बात करें तो इसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है ठीक है बहुत ही कम आ रही है कर्टोसिस इसकी पॉइंट जीरो फोर सिक्स आ रही है नेगेटिव में यानी ओरिजिनल से थोड़ी सी नीचे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या चल रहा है तो इसके लिए मैं एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट यहां पर बनाता हूं हिस्ट प्लॉट और ये बनाते हैं हम डेटा के ऊपर डायरेक्टली लेट्स सी डेटा इज इक्वल टू ट्रू अगर आप गौर करें अब तो ये हमारे पास एक डेटा है जो हमने नॉर्मल डेटा बनाया और ये हमने खुद से बनाया नॉर्मल डेटा ठीक है यूजिंग दिस नॉर्मल फंक्शन इन साइड कहाँ पर नम पाई के अंदर और आप गौर करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा की जो हमारे पास क्यू एंड कोटोसिस आती है ये जीरो के बराबर है मतलब बहुत ही कम है जीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो समथिंग आ रही है मतलब ये कि हमारे पास जब कोटोसिस और स्क्यूनेस ज़ीरो होती है इसका मतलब है हमारे पास जो डेटा है वो नॉर्मल है नॉर्मल डेटा ही जो होता है वो स्क्यूड भी नहीं होता और वो फ्लैट भी नहीं होता या पॉजिटिव भी नहीं होता

ये अब नॉर्मल से जितना दूर है वो ये वैल्यूज़ बताएंगी फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्क्यूड है फोर पॉइंट सेवन सेवन इसका मतलब ये पॉजिटिवली स्क्यूड है ये जो है ये हमारे पास छत्तीस की क्रटोसिस आ रही है इसका मतलब ये है कि इसकी पीकनेस है कहाँ पर पीकनेस है यहाँ पर ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली डिफाइन द डेटा और उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं अब आप अगर चाहें स्क्यूनेस एंड करटोसिस जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए डेटा के ग्रुप्स भी बना सकते हैं यानी कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि डी एफ के अंदर ये फेयर को आपने देख ली एफ जीरो वन जो है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि सिर्फ वही डेटा लो जिसकी क्लास जो है वो डिफरेंट हो फॉर एग्जाम्पल आप थर्ड क्लास के डेटा की यहाँ पे कटॉसिस निकालना चाहते हैं तो डी एफ अंडर स्कोर यहाँ पर मैं लिखता हूँ थर्ड इज इक्वल टू डी एफ के अंदर नहीं डी एफ के अंदर जब डी एफ अंडर स्कोर जीरो वन के अंदर हमारे पास जो क्लास है दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देंगे थर्ड ठीक है सो अगर ये क्लास हमारे पास थर्ड आ रही है तो इसका मतलब है वही वाला डेटा हमने यहाँ से लेना है डी एफ लेना है लेकिन क्लास जहाँ पे थर्ड आ रही है वही वाला डेटा लेना है होपफुली ये काम करेगा नहीं काम करेगा यहाँ पे कोई साइन का इश्यू है डी एफ लेट मी सी क्या मसला है ओके सो डी एफ जीरो वन डी एफ जीरो वन करके क्लास के ओके इक्वल टू लगाना था राइट right. एक्सेप्ट करते हैं ये बाय द वे जो फंक्शन मैंने आपको दिखाया है ये किधर गया सॉरी फॉर दैट यहाँ पे क्लास इक्वल टू आएगा ओके okay. अब हमने डी एफ थर्ड की कोर्टोसिस देखनी है क्योंकि हमने जो डेटा लिया है उसको सैम्पल कर लिया डी एफ थर्ड में आप चेक करें इसकी कोटोसिस बिल्कुल कम हो गई है और अगर मैं डी एफ थर्ड को यहाँ पे भी लिखूँ तो इसकी जो मेरे पास क्यूनेस है वो और भी कम हो गई है। ये हमने किया क्या है डी थर्ड को अगर मैं प्लॉट करके दिखाऊं तो जो मैंने काम किया है यहां पे वो आपको दिखाता हूं एस डॉट हिस्ट प्लॉट इसके अंदर डेटा इज इक्वल टू डी एफ थर्ड एक्स इज इक्वल टू फेयर के डी इज इक्वल टू ट्रू और ह्यू को हम क्लास कर देते हैं ये काम किया जी हमने आप चेक करें मैंने सारी दोनों क्लासेस निकाल के सिर्फ थर्ड क्लास का डेटा रिटेन किया है और थर्ड क्लास का डेटा भी हमें डिफरेंट जो है फेयर दिखा रहा है जीरो से लेके कर सत्तर तक और अगर आप गौर करें इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो इसकी भी स्क्यूनेस एंड कटोसे जीरो नहीं है और हमें डेटा भी दिखा रहा है कि अभी भी ये राइट right स्क्यूड है ठीक है अगर हम डी एफ थर्ड की बजाय यहाँ पे कोई डी एफ सेकेंड क्लास कर लें या फर्स्ट क्लास कर लें देन वी कैन हैव एन आइडिया कि हमारे पास क्या चल रहा है मैं फर्स्ट यहाँ पर करता हूँ फर्स्ट एंड देन वी विल हैव एन आइडिया कि फर्स्ट क्लास की हमारे पास क्रटोसिस कितनी आती तेरह फर्स्ट की तेरह सेकेंड की देखते हैं सेकेंड की आठ है मतलब सेकेंड क्लास हमारे पास अच्छा रिजल्ट दे सकती है सो so ये मैंने सेकेंड यहाँ पे लिख दिया सेकेंड यहाँ पे लिख दिया ये मैं डेटा फिल्टर कर रहा हूँ और जो स्टार्ट में मैंने आपको प्रोग्रामिंग सिखाई थी ये उसी की बेस पे चल रहा है सो so अगर किसी को नहीं आता तो दे नीड टू रिफ्रेश देयर कोड्स ये टू आ गई वैल्यू एंड यू विल सी अ स्विफ्ट चेंज हेयर मैं यहाँ पे डी एफ सेकेंड कर रहा हूँ एंड नाउ यू विल सी मैं इसको एंटर करता हूँ लुक आपके पास फौरन से ये पीकनेस और डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ गई अब अगर आप गौर करें कर्टोसिस भी कम हो गया है हमारी और स्क्यूनेस भी सो so, अगर ये जीरो के पास आ रही है इसका मतलब डेटा नॉर्मल होने के चांसेस हैं और डेटा नॉर्मल करने का मतलब ही ये है कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की वैल्यू ज़ीरो के बिल्कुल पास पास लेके आनी है विच इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री या कोई और हो जाए ठीक है जी इसके साथ आपको समझ आ जाएगी कि कटोसिस और आपके पास जो ज़ीरो ज़ीरो है वो किस तरीके से स्क्यू ना इसको करना है देर आर मैथड्स और देर डेटा को जब आप नॉर्मल करेंगे तो इन वैल्यूज़ को आप देखेंगे ठीक है अब डेटा की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए आपके पास टेस्ट भी होते हैं ठीक है मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा हाउ टू टेस्ट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा उसको देखने के लिए आपके पास डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं जिसको हम एच नॉट और एच वन से कंसिडर करते हैं कि डेटा इज़ नॉट नॉर्मल या डेटा इज़ नॉर्मल अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं इसको बहस में ना पड़िएगा अभी फ़िलहाल बट आई कैन एक्चुअली सी यू कि एक टेस्ट जो है बहुत मशहूर ज़माना है शपीरो विल्क शपीरो विल्क. ये बंदे का नाम है जिसने इस टेस्ट को डिराइव किया है आप ये टेस्ट लगा के चेक कर सकते हैं कि कैसा आपका डेटा है दूसरा आपके पास डी ऑगस्टिनो के टेस्ट होता है इसके थ्रू भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं टेस्ट है इसके थ्रू भी आप डेटा की हिमोजेनिटी और चीजें चेक कर सकते हैं यह आपको क्या बताता है लेट्स पुट वन टेस्ट जिसको शपीरो विल्क टेस्ट बोलते हैं शपीरो विल्क टेस्ट टू टेस्ट द नॉर्मैलिटी ऑफ द डेटा ठीक है उसको लगाने के लिए हम शपीरो विल्क टेस्ट को लेके आएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे करता हूँ स्टैट्स डॉट शपीरो डेटा पे लगा देता हूँ ठीक है और डेटा हमारे पास ये नॉर्मल डेटा है मैंने जैसे लगाया मेरे पास रिजल्ट आया स्टेटिस्टिक एंड पी वैल्यू ठीक है ये चीज समझ आ गई बात की और यहीं पे अगर मैं इसको प्रिंट करूं दोनों चीज़ों को सेपरेटली सो आई कैन राइट दिस इनटू टू पार्ट्स कि ये मेरे पास एक स्टेटस्टिक है और दूसरा मेरे पास पी वैल्यू है ठीक है तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूं स्टेटस्टिक्स को सेपरेटली और पी वैल्यू को सेपरेटली सो इट वुड लुक लाइक दिस शपीरो विल्क टेस्ट का स्टेटस्टिक आया पॉइंट और शपीरो विल्क टेस्ट की पी वैल्यू आई है पॉइंट एक रूल यहाँ पर याद रख लें जब पी वैल्यू जीरो फाइव से ज्यादा हो तो इसका मतलब है हम इसको रिजेक्ट नहीं करते यानी कि हम कहते हैं कि डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि हमें पता है कि डेटा पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पर सो so, इस एक पी वैल्यू की बेस पे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं डोंट वरी ये पी वैल्यू और बाकी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा लेकिन विजुअली आप देख के बता सकते हैं कि ये डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है आप कर्टोसिस और स्क्यूनेस की बता, बेसिस पे बता सकते हैं डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आप ये तीसरा टेस्ट इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं सो so, तीन टेस्ट मैंने आपको तीन चीजें बता दी जिनके थ्रू आप डेटा की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं या डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं स्क्यूनेस कर्टोसिस की वैल्यूज़ देख के प्लस आप डेटा को विजुअली प्रेजेंट करके प्लस आप डेटा की क्लासेस की बेस पे चेक करके कि हो सकता है डेटा एक कॉलम में जो कंटिन्यूस डेटा वो सारे के सारे नॉर्मल नहीं है लेकिन जब आप उसे क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है तीसरा जो मैंने आपको बताया शपीरो विल्क टेस्ट ये टेस्ट लगा के भी आप देख सकते हैं आई नो कि टेस्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इन्फ्लेंशियल स्टेटिस्टिक्स पे जाके इसको और भी अच्छे से हम देखने वाले हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता 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 आस्ता आता एडवांस लेवल पर जा रही हैं एंड यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन अ अस्टमेटिक मैनर अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मेरे साथ आगे चलना और डेटा साइंस की जर्नी को कंटिन्यू रखना सो आज का काम आज ही करें और जो आपको असाइनमेंट दी हैं और जो मैंने नोटबुक अभी बनाई है इसको मैं अभी फेच कर दूंगा ऑन गिट पोर्टल तो वहाँ से आप इसे देख सकेंगे ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे ये सारे के सारे कोड्स जो हैं वो रखे हुए हैं आज है हमारा डे फिफ्टी नाइन मैंने ये सिंक कर दिया मैं अभी आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ ये हमारे पास जिनाबे वाला गिटहब में आपने जाना है यहाँ पे गूगल पे जाना है गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है गिट हब गिट हब पे जाने के बाद गिट हब पे चले जाना है आपने गिट हब पे आपने जाना है और वहाँ पे आपने मेरा नाम सर्च करना है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है गिट हब के पोर्टल का गिट uh, हब की जो हमारे पास uh, प्रोफाइल है यहाँ से आपने सर्च करना है सर्च बार में जाके अमार तो तो आपको प्रॉपर गिटहब की रेपोजिट्री जो है वो आपके सामने आ जाएगी ठीक है एंड देयर यू कैन फाइंड मी और वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं जो जितने भी हमने कोड आपको दिए हैं मैं यहीं से डायरेक्टली गिटहब का लिंक जो है उसको कॉपी करता हूँ ताकि आपको सारे के सारा लिंक ही डायरेक्टली दिखा दूँ सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है ये पूरे के पूरे डेटा साइंस के कोर्स के सारे कोर्स यहाँ पे हैं ये स्टेटिस्टिक्स है और डे फिफ्टी नाइन इसकी के अंदर आपको अपलोडेड मिल जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी और ये डिस्ट्रीब्यूशन आज का टास्क जो है सो so ये डे फिफ्टी नाइन मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया एक मिनट पहले तो आपको ये पूरी की पूरी नोटबुक यहाँ पे मिलेगी जितने भी कोड मैंने आज लिखे हैं ठीक है ठीके? और दूसरी बात जैसे आप डेनिक्स डॉट कॉम पर जाएंगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर ये प्रॉपर फॉर्म के अंदर पूरे का पूरा कोर्स अपलोड हो रहा है छह माह का जो हमारा डेटा साइंस और एआई का मेंटरशिप प्रोग्राम है आप उस लिंक पे क्लिक करें और डे 58 यानी कि जब हम स्टार्ट पढ़ रहे हैं तो मैं उनको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव पार्ट सिक्स पार्ट सेवन पार्ट एट आज हो जाएगा सो आप देखेंगे यहाँ पे सारे लेक्चर्स मौजूद हैं सो आपको कोड्स भी मिल रहे हैं आपको नोट्स भी मिलेंगे नोट्स कहाँ पर पड़े हुए हैं कोडेनिक्स की ये वेबसाइट है यहाँ पर आपने डे फाइव डे सिक्स डे सेवन यहाँ पर आपको आर्टिकल आज भी मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का डे एट में वेयर यू कैन एक्चुअली फाइंड कि आपके पास आर्टिकल लिखे हुए आ रहे हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये स्टैंडर्ड एविएशन का आर्टिकल है जो हमने कल देखा वहाँ पर हमने अच्छे तरीके से सारे के सारे नोट्स जो हैं बनाए हुए हैं एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डिफाइन डिफरेंट थिंग्स और आप डिफरेंट uh, तरीके से उसको देख सकते हैं अगर नोटबुक यहाँ पे ओपन ना हो तो यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है जी और ये था आज का लेक्चर होपफुली आपको डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आई होगी होपफुली आपको समझ आई होगी कि टॉसेस और स्क्यूनेस क्या होती है और देर आर फ्यू मैथड्स कि आप डेटा के कल्टॉसिस और स्क्यूनेस को रिमूव करते हैं या शॉर्ट करते हैं या नॉर्मल की तरफ लेके जाते हैं और वही मैथड्स मैंने आपसे पूछे हैं जिसको मैंने नाम दिया था हाउ टू नॉर्मलाइज द डेटा ठीक है सो so, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है गो हैड सर्च फॉर दिस थिंग्स एंड लर्न क्विकली ठीक है जी समझ गई लाइक कर दें शेयर कर दें सब्सक्राइब कर दें